जी आपको मिलके अच्छा लगा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है भैया जी, यात्रा आप स्टार्ट रखो, बस हिम्मत नहीं हारनी। बिल्कुल नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही, क्योंकि जो सामने से हमें देखता है ना वो हंसता है। कोई बात नहीं, हंस रहा है, आज हंसेगा, कल हंसेगा, परसों हंसेगा। अगर आज हमने हार मान ली, आप अभी तक कितनी यात्रा कंप्लीट कर चुके हो? लगभग 8,500 किलोमीटर हो गया है। तो फैमिली 8,500 किलोमीटर भैया कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी भी 4 राज्य ये साइकिल खड़ी है भैया जी की, ठीक है, इससे कंप्लीट करेंगे। तो आसान बात नहीं होती, आप लोगों को घर पे बैठ के देखना है, आपको ये लगता है कि हाँ बहुत आसान है, बट हम लाइफ में सरवाइव करते हैं तो हमें पता है कि कितना संघर्ष होता है। तो फैमिली ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा प्यार दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो भाई और भैया जी, कहाँ से हो आप? उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं भैया जी हमारे, और साइकिल से यात्रा कर रहे हो, देख रहे हो फैमिली, हम तो गाड़ी में हैं, लेकिन भाई साइकिल से मानना पड़ेगा भैया जी को। आपका क्या नाम है भैया यूट्यूब चैनल का? ये बैटरी वाली है, वैसे नॉर्मल सिंपल है, ये नॉर्मल है। ओपन कितने किलोमीटर चल गए? ओपन ट्रेड ये भैया जी का कितने? 8,500। 8,500 किलोमीटर चल चुके हैं साइकिल से। नाम लिखा है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भैया जी का मैं आपको ये ट्रैवल, ये देखो परिक्रमा, ये पूरे भारत की वो कर रहे हैं भाई, जो भैया जी हैं ये पूरे भारत की राइड कर रहे हैं। ये भैया जी का यूट्यूब पे चैनल है, हैंडल वाली साइकिल से बाइक को ठीक है, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हो। और 8,500 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं ये साइकिल से ही, ठीक है, साइकिल से। तो भैया जी को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो भैया, इंस्टाग्राम पे भी हो ना आप? चैनल वगैरह का नाम भाई, इंस्टाग्राम पे क्या चैनल का नाम है आपका? मेरा नाम है दिलीप, दिलीप _swarajki_jai है। तो फैमिली मैंने आपको बोर्ड दिखा दिया है, अभी मेरे को भैया जी मिले तो इसलिए मैंने यहाँ पे रोका, और अभी हम ये ऋषिकेश में रुके हुए हैं। तो भैया जी अब आप कहाँ से आ रहे हो अभी? सर मैं मध्य प्रदेश से सबसे पहले गुजरात गया। अच्छा, मध्य प्रदेश से गुजरात। हाँ जी, गुजरात से अपना कोसली हाईवे पकड़ के कन्याकुमारी, कन्याकुमारी उसके बाद में अपना तिरुपति बालाजी, वहाँ से तिरुपति बालाजी जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर वहाँ से कोलकाता, कोलकाता कोलकाता से अपना असम गुवाहाटी, और गुवाहाटी से सीधा नेपाल आया बराज क्षेत्र, और वहाँ से हाँ जी अयोध्या से हरिद्वार ऋषिकेश, ऋषिकेश। तो अब भैया कहाँ जाने का प्लान है आपका आगे? बिल्कुल, अब मेरे 14 राज्य हो चुके हैं और 4 राज्य बचे हैं, मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, पूरा सर्कल बना रहा हूँ भारत। कितने राज्य का? लगभग 18 राज्य का मेरा टारगेट है। तो फैमिली भैया जी का जो टारगेट है 18 राज्य का है, और भैया जी ने 14 राज्य कंप्लीट कर दिए हैं, अभी 4 राज्य और हो गए। और तुम सोच रहे हो फैमिली यार हम लोग क्या हैं, हम तो अपना बाइक से निकल गए, गाड़ी से निकल गए, जो सरवाइव होता लाइफ में वो इन भैया से पूछो। अब आगे का जो भैया की राइड रह गई है वो हिमाचल फिर जम्मू। तो यार प्लीज फैमिली आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया जी को ना फॉलो करो ज्यादा से ज्यादा, भारत दर्शन ओपन ट्रैक। हाँ जी, तो फैमिली भैया को यार ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो, शेयर करो, ठीक है भाई जी। जा रहे अभी यहाँ से अपना श्री, ये क्या है अपना श्रीनगर, श्रीनगर से होते हुए जम्मू कश्मीर भाई, अपना इस टाइम पे वैष्णो देवी जा रहे हैं भाई साइकिल। यार देख रहे हो फैमिली, भैया ने अभी 14 राज्यों की ना यात्रा कर चुके हैं, 14 स्टेट क्लियर कर चुके हैं, 14 स्टेट क्लियर कर दिया, और अब ये यहाँ से जाएंगे का और टारगेट हाँ है 18 करने। भैया आपसे मिलके यार बहुत खुशी हुई, दिल से धन्यवाद भैया। आप YouTube, Facebook, Instagram भटकता मुसाफिर 1234 आपको लोग वहाँ मिलेगा जरूर, ठीक है भैया। बाकी आप जो कर रहे हो, क्योंकि हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, मेरा मन भी था भारत यात्रा का, लेकिन एक होता है ना भैया जी, इसलिए नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे भी सर। तो भैया का चैनल, ये भैया का चैनल है फैमिली। तो दोस्तों ये भैया जी की लाइफ का सरवाइव देखो, हम लोग क्या है, हम तो थोड़े से में हार मान जाते हैं, लेकिन भैया का सरवाइव देखना आप।
हाँ जी भैया। सर मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मैं करता था, एनजीओ था हमारा, तो उसमें 7 साल मैंने जॉब किया, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार मुझे बहुत मतलब दिखा, तो मैंने अपना रिजाइन दे दिया वहाँ से, क्योंकि मेरा दिल प्रसिद्ध किया था उसको देख के, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मेरा वर्ग 3 में प्राइमरी शिक्षक में चयन हो गया गवर्नमेंट में, तो मेरा जब ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया तब तक मैं अपनी भारत यात्रा स्टार्ट करके बेंगलोर तक पहुँचा, लेकिन वहाँ मुझे पता चला कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, तो मैं घर रिटर्न आ गया। 10 महीने इंतजार किया, फिर भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, तो मैंने अपनी यात्रा भोपाल से लेकर दिल्ली तक निकाली, राष्ट्रपति भवन तक, और वहाँ अपना ज्ञापन दिया, लेकिन फिर भी मेरी सरकार से सुनवाई नहीं हुई, और हम लोग 4,500 शिक्षक है, हमारा ज्वाइनिंग लेटर किसी को नहीं मिला अभी तक। ये राजनीतिक उथल पुलट गए जिसके चलते हमारा भविष्य खराब हो गया, और आज हम लोग बेरोजगार घर पे बैठे। उसी के चलते मैंने प्रण किया कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि सरकार के मुंह पे तमाचा पड़े, सीधा सीधा उनका ही नाम रोशन करके उनको मैं सीख दूंगा। तो इसीलिए हमने साइकिल यात्रा निकालनी चालू करी, और हम पूरे भारत का सर्कल बना रहे, पूरे भारत भूमि की परिक्रमा कर रहे हैं, और मतलब ईश्वर से मैं ये धन्यवाद देता हूँ कि उसने इस काम के लिए मुझे चुना। भाई बहुत बहुत मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी को निवेदन करता हूँ साथियों कि सपोर्ट कीजिएगा, हमारे भाई का भी सपोर्ट कीजिएगा, मेरा भी सपोर्ट कीजिएगा, और साथ ही साथ आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानना, क्योंकि परमात्मा सत्य की विजय करवाता है। जय हिंद, जय भारत। अब फैमिली मैं छोटी सी आपसे ना एक बात कहना चाहूँगा। अब ये भैया हैं, इन्होंने गवर्नमेंट की तैयारी इनकी कंप्लीट है, ठीक है, फॉर्म आ गया, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। पढ़ाई हमसे ज़्यादा ही कर रखी है इन्होंने, और नॉलेज भी है, उसके बाद भी जॉब नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये मत सोचना लाइफ में सर्वाइव नहीं है, सर्वाइव बहुत है, बट ये जो भैया जी हैं इनका सर्वाइव देख के हम कुछ भी नहीं है। तो भैया को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और भैया का इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप जहाँ भी सर्च करोगे भैया आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है फैमिली। तो अब हम यहाँ से आगे के लिए निकलते हैं, और बाकी भैया जी आपको मिलके अच्छा लगा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है भैया जी। यात्रा आप स्टार्ट रखो, बस हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल नहीं आ रही सर, नहीं आ रही, क्योंकि जो सामने से हमें देखता है ना वो हंसता है, कोई बात नहीं, हंस रहा है, आज हंसेगा, कल हंसेगा, परसों हंसेगा। अगर आज हमने हार मान ली, आप अभी तक कितनी यात्रा कंप्लीट कर चुके हो? लगभग 8,500 किलोमीटर हो गया है। तो फैमिली 8,500 किलोमीटर भैया कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी भी 4 राज्य ये साइकिल खड़ी है भैया जी की, ठीक है, इससे कंप्लीट करेंगे। तो आसान बात नहीं होती, आप लोगों को घर पे बैठ के देखना है, आपको ये लगता है कि हाँ बहुत आसान है, बट हम लाइफ में सर्वाइव करते हैं तो हमें पता है कि कितना संघर्ष होता है। तो फैमिली ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा प्यार दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। मुमकिन है यार तुम कहोगे ये कैसे, मुमकिन है यार। बना तो सही, ये रखा तेरे पास, सीधे काका मनवाए दे देना। तो फैमिली ये गुच्छू पानी हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, और ये है यहाँ की पार्किंग, जिसका कोई चार्ज है नहीं, बाकी जो भाई लोग यहाँ होते हैं आपकी श्रद्धा से जो आप देना चाहते हो दे सकते हो। बड़ी पार्किंग है, नज़ारा आप देख ही रहे हो, बाकी चलते हैं अब आपको आगे दिखाते हैं हम ओके वाला नज़ारा, ठीक है फैमिली।